कोटा जिले के प्रभारी मंत्री और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा सुल्तानपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां गुरुवार को उन्होंने सुल्तानपुर नगर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर अपनी समस्याओं के साथ उन्होंने ज्ञापन भी दिया, जहां पर कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता मंजूर तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर की ज्वलंत मांगे भी पूरी करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देते हुए यहाँ सुल्तानपुर नगर में उपखंड कार्यालय खोलने, राजकीय महाविद्यालय खोलने, तहसील कार्यालय की सौगात देने की मांग की। उन्होंने दो टूक शब्दों में यहां प्रभारी मंत्री से कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तभी सफल होगा जब सुल्तानपुर नगर को वर्षों से चल रही इन मांगों की सौगात मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने सुल्तानपुर चिकित्सालय की दशा भी सुधारने की मांग की, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मायाराम मेघवाल, नरेंद्र दादिज, अब्दुल मुजीब लाहौरी, बबलू भाई धनवा, महेंद्र गोचर, अब्दुल कलाम, रामलाल, राजेंद्र शर्मा समेत कई मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रभारी मंत्री से सुल्तानपुर नगर को बजट सत्र में बड़ी सौगात देने की मांग की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से सुल्तानपुर क्षेत्र की जनता इन मांगों को लेकर इंतजार कर रही है और अब उम्मीद है कि इस मांगों को पूरा होगा, नहीं तो धरना प्रदर्शन तक किया जाएगा। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय प्रसादी लाल मीणा जी के प्रवास के दौरान मैंने सुल्तानपुर में जो 12 साल से उप तहसील है उसको अभी तक तहसील नहीं बनाया गया, उसको तहसील में रमणत करवाने की मांग, साथ में उपखंड कार्यालय और राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की मांग का एक ज्ञापन दिया। साथ में हमारे सुल्तानपुर सीएससी में जहाँ 1000 से ज्यादा ओपीडी मरीज रोजाना प्रतिदिन आते हैं, वहाँ मात्र 30 बेड है, उस सीएससी को या तो बेड बढ़ाया जाए या वहाँ उस अस्पताल सीएससी को जिला अस्पताल घोषित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर एक ज्ञापन आज माननीय हमारे विधायक रामनारायण जी मीणा की मौजूदगी में प्रसादी लाल मीणा जी को दिया और उनसे आह्वान किया, मांग की कि शीघ्र, क्योंकि बजट सत्र अभी चलने वाला है और इस बजट सत्र में हमें एक सौगात मिले, सुल्तानपुर में तहसील उपखंड कार्यालय और राजकीय महाविद्यालय की सौगात मिले और जिला अस्पताल की सौगात हमें मिले। इन सभी की मांगों को लेकर आज हमने माननीय प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन दिया है, माननीय हमारे जो लाडले विधायक है रामनारायण मीणा जी की मौजूदगी में। हम सभी कांग्रेस जनों की मांग है, अगर हमें ये मांग नहीं, हमारी इस मांग को ये पूरा नहीं करते हैं तो हम ये भी, हम आज उनसे मांग की है, ये भी कहा है कि पूरे नगरवासी और पूरे कांग्रेस जन, इस क्षेत्र के लोग, हम आंदोलन भी करेंगे। तो हमारा करबद्ध निवेदन और ये जो कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और कार्यक्रम चलने वाला है, हम सब ने यही मांग की है कि ये तभी सफल होगा जो हमारे नगर में इन सब मांगों की सौगात हमें मिलेगी। जय हिंद।